हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11 के सारे पोएम का कंप्लीट कर रहे थे, और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग सारे पोएम को एक एक करके लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ हम लोग इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में। यानी कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अगर देखिएगा कि हम लोग लास्ट क्लास में जो पोएम है जिसका नाम है द लेबोरियम टॉप, ये क्लास 11th का पोएम है, और इसके बारे में हम लोग लाइन बाई लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे थे। आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, इसके कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर ये बताएंगे कि अगर आप लोग में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लासेस को इंजॉय कीजिए। और इससे पहले हम लोग क्लास 11 के और क्लास 12 के और भी बहुत सारे पोएम्स को कराए हैं, तो जो जो बच्चे क्लास 11 में हैं जाकर पोएम को ज़रूर देख लीजिए। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग से हम ये कहना चाहेंगे कि पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसका लाइन बाय लाइन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है आप जाकर पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम था द लेबोरियम टॉप, ये आपके क्लास 11 का तीसरा पोएम है। इसको लिखा गया टेड हक्स के द्वारा। हम लोग डिस्कस करेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, टॉप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वो सभी का। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबोरियम टॉप सॉरी ट्री इन द पोएम द लेबोरियम टॉप। कह रहा है कि पोएट ने किस तरह का डिस्क्राइब किया है लेबोरियम ट्री के टॉप को, है ना, जो ये पोएम है उसके टॉप को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप लोग देखिएगा पोएम का फर्स्ट लाइन है कि लेबोरियम जो ट्री है उसके टॉप को डिस्क्राइब किया गया था साइलेंट एंड स्टिल, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द लीव्स ऑफ द लेबोरियम ट्री। कह रहा है कि वो जो पेड़ है उस पेड़ की पत्तियां, है ना, जो पेड़ है लेबोरियम ट्री इसके पत्तियां कैसी हो गई, उनके साथ क्या हुआ है। तो जो पत्तियां हैं वो टर्न येलो हो गया है। क्या हुआ है? टर्न येलो। और इस पोएम में एक और चीज़ यूज़ किया गया है कि जो इस पेड़ है लेबोरियम ट्री का उसके सीड्स क्या है, फॉलन डाउन। अगर सीड्स बोलेगा तो नीचे गिरा हुआ है, जबकि पत्तियां जो है वो येलो पड़ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। कह रहा है सेप्टेम्बर के मंथ में वो जो ट्री है वो किस तरह से खड़ा है। तो वो स्टिल एंड डेथ अलाइक, वो रुका हुआ है जैसा कि मरा हुआ होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 में व्हाट इज डिस्क्राइब एज इंजन इन द पोएम। कह रहा है कि इस पोएम में इंजन किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसका आंसर है द लेबोरियम टॉप, यानी वो पेड़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डोमिनेट्स कलर यूज इन द पोयम। इस पोयम में कौन सा कलर इस्तेमाल किया गया है, तो येलो कलर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें एक बर्ड है गोल्डफिंच, वो भी येलो, ट्री है वो भी येलो, और वहाँ का जो मौसम है वो भी येलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द ट्री इन द इन वैन द बर्ड फ्लो अवे। कहानी के लास्ट में, इस पोएम के लास्ट में क्या हो जाता है जब बर्ड चली जाती है वहाँ से, तो क्या इट वॉज स्टिल अ लाइफ, नथिंग चेंज इन द लुक, इट वॉज डेथ लाइक अगेन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ये फिर से मरा हुआ हो जाता है जब वो पक्षी वहाँ से चली जाती है। पहले क्या सिचुएशन था कि पहले जो पेड़ है वो पूरी तरह से मरा हुआ था, यानी उसमें लाइफ नहीं था ऐसा लग रहा था, लेकिन गोल्डफिंच बर्ड के आने से वहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो जाता है, चहचहाने की आवाज़ें हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे आते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर वो जब बर्ड चली जाती है तो फिर से उसका यही चीज़ें हो जाता है, स्टिल अ लाइफ, डेथ की तरह। What role does the tree play in the goldfinch bird? कह रहा है गोल्डफिंच बर्ड के लिए वो ट्री किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, अल्स सल्टर के लिए, ये रहने के आश्रय के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। What is the laburnum? Laburnum क्या है, तो एक पेड़ है, a short tree, है ना, पूरा नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, a short tree with a yellow flowers, और इसके जो सीड हैं वो भी सब येलो ही है। Who is the poet on the laburnum top? तो अभी बताया गया था कि ये जो laburnum top है इसके जो poet कौन है, टेड हक्स। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है टेड डग्स वाज़न है, टेड डग्स किस तरह के पोएट है, तो एन अमेरिकन चिल्ड्रन राइटर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव सवाल है, और अभी हम लोग फिर सब्जेक्टिव पर डिस्कस करते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको कराया गया अगर एग्जाम में आता है तो इसी 10 में से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पर आते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला सवाल है व्हाट लेबोरियम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कह रहे आपके भाषा के हिसाब से लेबोरियम ट्री को क्या कहा जाता है। इन माय लैंग्वेज, तो जाहिर सी बात है मेरी लैंग्वेज क्या है, हिंदी, आप चाहते हैं लिख सकते हैं इन माय लैंग्वेज इन हिंदी द लेबोरियम इज अ कॉल्ड अमलतास। तो हमारे हिंदी भाषा के हिसाब से देखा जाए तो एक ट्री होता है जिसका नाम है अमलतास, है ना, ये भी लेबोरियम टॉप की तरह ही होता है। इट इज़ अ ट्री कैरेक्टराइज बाई मीडियम हाइट, ये से तुलना इसलिए किया गया है क्योंकि इसका भी हाइट जो है वो मीडियम हाइट का है, ज़्यादा लंबा ज़्यादा छोटा नहीं होता, लेबोरियम टॉप की तरह ही, लेबोरियम ट्री की तरह ही होता है। ड्रॉपिंग ब्रांचेस मैंने झुका हुआ ब्रांचेस होता है, अपडेट येलो फ्लावर्स भी होता है और पॉइजन सीड भी होता है। जिस तरह से लेबोरियम टॉप में यानी लेबोरियम ट्री में हाइट कम होता है, ब्रांचेस झुका हुआ होता है, पेड़ की जो पत्तियाँ होती है और फूल होता है वो भी पीला कलर का होता है और पॉइजनस ट्री होता है, सेम उसी तरह से हमारा ये तो हमारा ये जो है पोएम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे आते हैं विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच, कह रहा है कि आपके लोकल बर्ड में गोल्डफिंच को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा ऐसा है, विच लोकल बर्ड यानी कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा लोकल बर्ड है जो लाइक करता है, मैंने एकदम सिमिलर है किसकी तरह, गोल्डफिंच की तरह। तो देखते हैं आंसर, इंडियन येलो पैरोट, पैरोट जो है हमारा जो नेशनल बर्ड है वो इस गोल्डफिश बर्ड की तरह दिखाई देता है, विच लुक्स लाइक द गोल्डफिश, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, कह रहा है कि बर्ड्स के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन फॉर दिस कंपेरिजन, कह रहा है कि यार कंपेरिजन का क्या अर्थ है। अगर आप लोग पोएम देखे होंगे तो यहाँ पे जो बर्ड है उसका कंपेरिजन जो है वो लिजर्ड से किया गया है, लिजर्ड है, और कंपेरिजन का बेसिस क्या, चलिए देखते हैं। द गोल्डफिंच मूवमेंट कंपेयर विथ अ लिजर्ड, है ना, किससे किया गया है, लिजर्ड यानी छिपकली से किया गया है। द बेसिस ऑफ दिस कंपेरिजन इज दैट, और ये कंपैरिजन का बेसिस क्या है कि दोनों में जो गोल्डफिंच और लिजार्ड है वो दोनों क्या है, अब्रप्ट और अलर्ट है, यानी कि दोनों एक ही जैसा एकदम अलर्ट रहता है और अब्रप्ट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 में, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, कह रहा है कि आप इस पोएम में शुरुआत में यानी शुरुआत में और लास्ट में आप लोग क्या नोटिस करते हो। तो इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज अ क्लैम एंड साइलेंट, है ना, शुरुआत में क्या है कि वो पेड़ पूरी तरह से शांत रहता है, और एंडिंग में भी अगर देखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है, और वो पूरी तरह से एम्प्टी लेवल हो जाता है, यानी दोनों में सेम सिचुएशन होता है। आप लोग फिर से हम बोलेंगे कि आप लोग एक बार जरूर जाकर पोएम को देखिएगा, तभी ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक बाय द पोएम, कह रहा है कि पोयम ने इंजन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। आंसर देखते हैं, द इंजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन, कह रहा मशीन को चलाने के लिए एनर्जी होता है, जो सोर्स ऑफ इंजन होता है वो मशीन होता है ना, इंजन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मशीन के लिए। इट इज अ कंपेयर्ड टू द बर्ड सी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, और ये तुलना इसलिए किया गया है जो बर्ड है, बर्ड से इसकी तुलना किया गया इसलिए किया गया है क्योंकि जो बर्ड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी अपने फैमिली के लिए, जिस तरह से इंजन सोर्स ऑफ होता है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मशीन के लिए, तो है आपके फैमिली के लिए। अस विदाउट इंजन अ मशीन कैन नॉट वर्क, जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन से मतलब कि इंजन के ना रहने पर मशीन काम नहीं करता है, ठीक उसी तरह से इन द सेम वे उसी तरह से विदाउट अ बर्ड, बर्ड के बिना उसकी फैमिली कांट सर्वाइव, है ना, सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसलिए उसकी जो इंजन का इस्तेमाल उस पोएम में किया गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम लोग क्लास 11 के दूसरे वीडियो पर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।